टॉयलेट पेपर इज बेटर देन वाटर टू क्लीन बट्स। पकौड़े ठंडे ज्यादा अच्छे होते हैं। इंजीनियरिंग इज द बेस्ट डिग्री। चप्पल या जूता सिर्फ एक पैर में पहनना चाहिए। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था आ चुका है, नाइट का, नाइट डे जो भी चल रहा है, सबसे फनी जज। तुम्हारी बहस की आंख। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है, इंजीनियरिंग इज द बेस्ट डिग्री। यस ऑब्वियसली इंजीनियर नहीं होंगे तो हमारे घर, सड़कें, ब्रिज जो टूट रहे हैं वो नहीं होंगे। इंजीनियर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ, देखो कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, देख सकते हो आप लोग। इंजीनियर बन के तुम मुन्ना की वीडियो में आ रहे हो, वही तो दुख है, वही तो दुख है। रुक 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 भाई, इंजीनियर ना होते तो तुम्हारे पास आज सॉफ्टवेयर ना होता, फोन ना होता, रिंग लाइट ना होती, गाड़ी ना होती, फोन ना होते, माइक ना होते, कुछ ना होता। इंजीनियरिंग का एक ही चीज है, आप 4 साल पढ़ाई करते हो, उसमें आप कुछ नहीं पढ़ाई करते हो, आप क्या करते हो, जैसे इंजीनियर बन जाते हो सड़कें खोदते हो, फिर उसके बाद उसमें पाइप, नहीं 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 फिर से मैं बोलूंगी, ये इंजीनियर है, ये इंजीनियर है। फिर क्या करते हैं, सड़क बनाएंगे, फिर उनको याद आएगा ओहो पाइप तो बीच में डालेंगे, 2 दिन बाद उन्हें सड़कों को खोदते हैं और फिर उसके बाद वापस उसमें पाइपें बिछा रहे होते हैं। हमें पॉइंट रखना चाहेंगे कि इंडिया के जितने बड़े बड़े सीईओ हैं, जैसे गूगल का, एडोब का, ये सब IIT से इंजीनियर है। इंजीनियर हमारी दुनिया में जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं जैसे वो सब इंजीनियर, मनीष, जैसे मनीष, जैसे और मनीष, मुन्ना और मनीष। क्लोजिंग स्टेटमेंट हमारी जज जी, आपको पता है मैं इंजीनियर हूँ जी, अब देख लीजिए पॉइंट किसको देना। आप कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहेंगे? यस, इंजीनियर बहुत जरूरी है, अगर इंजीनियर ना हो कुछ ना हो दुनिया में, और टूटी सड़कें ना हो, और टूटी घर ना हो, और टूटे पुल भी ना हो। सिविल इंजीनियर को मिस्त्री बोलते हैं, मतलब बुरा नहीं मानना है, लेकिन यार उनकी बस ये घर बने, देखो ये दिख रहा है ये, और टूटी सड़कें और टूटे घर। ठीक है, आप बोल रहे हो कि इंजीनियर टूटी चीजें बनाता है, ठीक है, मेरा दिल टूटा है। बन वो बना देगा, बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ, बन मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट को फिर से बोलना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे मैं नहीं सुननी किसी क्लोजिंग स्टेटमेंट, 5 बार इसकी बात सुनी, 8 बार इसकी बात सुनी, मेरी भी तो कोई सुनो। नहीं नहीं, एक लास्ट। देखो सीधी सी बात कहना चाहूंगा, एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस इंजीनियर्स का सबसे ज्यादा इनपुट होता है ब्रिजेस सड़कों में ही नहीं, आप देख लो यूट्यूब पे सारे बेरोजगारों के भी हर जगह इंजीनियर ही छाए हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में सारे इंजीनियर, यूट्यूबर्स सारे इंजीनियर। ये पर इंजीनियर जो होते हैं रिश्वत नहीं, वो गलत डिग्री भी है क्योंकि बहुत से बेरोजगार मिल रहे हैं। एक सर हम गूगल पे कर रहे हैं मजाक नहीं है, हमारी ये वीडियो जो है ना, बच्चे नहीं सॉरी उनके पेरेंट्स भी देखते हैं, तो वो क्या सीखेंगे, अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवा देंगे, तो यही हम नहीं चाहते, तो हम अगेंस्ट कुछ जिताना चाहेंगे, इंजीनियर एक बेकार डिग्री है। कपड़े पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कपड़े पहनना, कपड़े हमें खूबसूरत दिखाते हैं। इंसान एक माटी का पुतला है, नंगा आया था नंगा जाएगा। हो जाओ हो जाओ। अश्लीलता ना फैलाई जाए। देखिए मन साफ हो तो कपड़ों की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात है, कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए? बिल्कुल पहनने चाहिए, तन मन धन स्तन, ओ सॉरी, तन मन धन सब, भाई रोटी कपड़ा मकान, कपड़े पहनने चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा कपड़ा, सुन लो कपड़ा। आप इस बात पे क्या बोलना चाहेंगे, रोटी कपड़ा और मकान? महंगाई बढ़ी है, रोटी लूं ये मकान लूं, कपड़ा फिर कहां से लाऊं? देखिए कपड़े होते हैं बहुत महंगे, ठीक है, ये देखिए 3,000 की पैंट है जी, 1 महीने का खाना हो जाता है इसमें तो मेरा, 4,500 की आई है ये लेगिंग मेरी जी, आप ये भी 150 रुपए, क्या कितना, 1,500। देखिए अभी तक मुझे स्टेटमेंट अच्छी नहीं मिली पर दे आर मोर फनी, तो देख लीजिए आप, स्टेटमेंट हमारी ली नहीं, अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे जी तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, समझ रहे हो? मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, इनसे पूछिए कि अगर ये कपड़ों के खिलाफ है तो इन्होंने कपड़े पहने क्यों? बिल्कुल, हमने कहा था पहले, देखिए कपड़े हमने इसलिए पहने हैं कि हमारा मन बहक ना जाए। आई वुड लाइक टू से इनके पॉइंट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन द विनर इज फेवर। खुशी नहीं है, ए, ए, रुको, अगेंस्ट जीत गया।
पकौड़े ठंडे ज्यादा अच्छे होते हैं। बिल्कुल अच्छे होते हैं। बहुत भाई, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैंने गर्म पकौड़ा खाया था तो मैं जल गया था, पूरा जल गया था, तेल की कढ़ाई गिर गई थी भाई। जी आप क्या कह रहे हैं इस बात पे? भाई भाई गर्म गर्म अच्छे रहते हैं भाई। सोचो क्या सर, सर इमेजिन करें, सर इमेजिन करें, क्या आप बर्फ में हैं जी, बाहर बर्फ गिर रही है जी, आपके साइड में आपकी पार्टनर बैठी हुई है, ओ सर वो आपके लिए चाय बना के लाई है और उसने आपको पकौड़े दी, वो भी ठंडे। जी जी, चाय तो गर्म होगी। सोचिए आप, ठंडे पकौड़े होने का एक फायदा है कि अगर गर्म पकौड़े हुए तो हमें फूक करनी पड़ेगी, देखिए वो वाली मेहनत वहां पे चली जाएगी। हाय, पकौड़े किसके साथ खाने थे आपने? चाय के साथ? नहीं, चाय चाय ठंडी ठंडी चाय के साथ। ये ओए कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ गया। इस टॉपिक के डिसीजन में हम आते हैं कि पहली बात इनके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे थे और इन्होंने कंट्रोवर्शियल टॉपिक चाय ले लिया जो कि सबकी चहेती होती है। तो द विनर इज अगेंस्ट, आपका नेक्स्ट जज है तिश्ता ठाकुर, अगला बंदा है नेक्स्ट टॉपिक इज चप्पल या जूता सिर्फ एक पैर में पहनना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक ही पैर में पहनना चाहिए चप्पल या जूता, क्योंकि देश में गरीबी है, बहुत से बच्चे ऐसे हमारे जगह जगह जाके मिलते हैं जिनके पैर में जूते नहीं होते हैं, चप्पल नहीं होती है, तो अगर हम खुद से स्टार्ट करेंगे एक पैर में तो उसके एक पैर में चप्पल आएगी। देखिए ये तो बात वही होगी, स्टार्ट कीजिए। जज की तारीफ ना करें प्लीज, आप टॉपिक से ना भटके। जी देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं तो जूते भी दो होने चाहिए। देखिए आज मैंने ये पहना है, कल मैं ये पहनूंगा, दो दिन का हो गया, रास्ते में आपको कंकर मिलेंगे, आप लंगड़ी खेलते हुए तो जाएंगे नहीं। जी देखिए देखिए, मजा आता है, थ्रिल चाहिए मेरे को। मैम I would like to do a practical. Can I do? देखिए अगर आपके पास सिर्फ एक पैर पर चप्पल ले जूता है और दूसरे में नहीं, देख ले आपकी मुंडी ना कट रही हो, आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा जिसकी वजह से ना यहाँ पे मिसबैलेंस हो सकता है, मिसबैलेंस। देखिए इसमें पूरा तो टाई। नेक्स्ट टॉपिक इज जब भी आप अपने दोस्तों के बीच होते हैं अगर आपकी सॉक्स बदबूदार भी हो तो भी आप अपने जूते उतार सकते हैं। ये बहुत गलत बात है। अभी करने से हमारे नाक में जो है बहुत सी बदबू गई है, को पानी पिलाया जाए शायद इन्हें चक्कर भी आ रहा है। हाँ देखिए, ये वही बात होगी ना सर, आप नहीं समझेंगे, ये तो गलत बात है। जिंदा हो ना, जिंदा तो बैठे हो। नहीं ऐसे थोड़ी बात है, मैं आपकी टांग तोड़ दूं जिंदा तो तब भी रहोगे आप। ये देखिए बेचारा, प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो गया सर? ओवर एक्टिंग के पैसे नहीं, इनको दिक्कत हुई है और ये जीत गए हैं। बोलना तो अरे मैंने तो बोला भी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉयज शुड आल्सो हैव मेकअप। हां नहीं नहीं सर, बीटीएस क्या बोलोगे तुम? बीटीएस जसप क्या बोलोगे इसके अगेंस्ट? वो तो नेचुरल ब्यूटी है जी। नहीं नहीं सर, कोरियन में सर ऐसे ही उनकी लाइफस्टाइल है, फूड ऐसा है, वो सर मेहनत है सर, लिपस्टिक सर हल्का सा ब्लश। देखिए सीधी सी बात है, लड़कियां मेकअप करके अपने चेहरे पहले खराब कर चुकी है तो कुछ हैंडसम हंक्स बचे हैं तो उनको छोड़ दो यार। नहीं नहीं सर, मैं एक जज एक लड़की हूं और मैंने अपना चेहरा कोई खराब नहीं किया, आज भी मैंने बहुत 1 किलो का मेकअप लगाया है, तो पॉइंट जाता है आगे, फेवर। आप जीत गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉयलेट पेपर इज बेटर देन वाटर टू क्लीन बट्स। देखो ऑफ कोर्स टॉयलेट पेपर बेटर है क्योंकि पानी जो है वो थोड़े टाइम में, ऐसा साइंस बता रही है कि हमारे अर्थ में पानी जो यूजफुल वाटर है वो खत्म होने वाला है। तो देखिए गांव में जो है लोग वो पानी से धोते हैं, अगर उनको पेपर पकड़ा दिया जाएगा तो वो थोड़ा और लगेगा, और ये पेपर से अच्छे साफ भी नहीं होता पानी से एकदम क्लीन। उससे बोलिएगा ठंड में क्या अच्छा लगता है, पानी जब लगता है ऐसे लगता है ना, क्या पॉइंट है सर? लेकिन टॉयलेट पेपर आराम से मजे करो जिंदगी के। सर का बोलना था टॉयलेट पेपर ऑल सीजन चलता है, पानी सर्दियों में नहीं चलता। देखिए सर्दियों में, देखिए
सुन सुन पिछवाड़ों का भी अपना ही मजा है। मैंने यही बोल रहा था मैम, वो जो वाइब्रेशन होती है ना वो आप नहीं समझ सकते। और हम टिश्यू से साफ करेंगे तो स्मेल आएगी, फिर पानी से साफ करोगे तो अच्छे से साफ। मैम आप सूंघ के देख लो, हम प्रैक्टिकल किया है, हमने प्रैक्टिकल किया है। मैं तभी सोच रहा हूँ आपको स्मेल नहीं आ रही साइड। आप नहा भी क्यों रहे हैं, आप टॉयलेट पेपर लगा लीजिए। पानी खत्म होने वाला है और हमें उसको बचाने की जरूरत है। देखिए बात यहाँ पे पिछवाड़े की है, देश की नहीं है। तो पानी खत्म हो तुम्हारी चिंता की बात नहीं हो। देखिए आप अपने पिछवाड़े को देखिए, हम एक युवा नेता है, इसके अपकमिंग जनरेशन है, हमें पानी सेव करना है। मैम सुनो, आप बट से भटक रहे हैं और मुद्दे से भी भटक रहे हैं, इसलिए विनर है अगेंस्ट सर। विनर है। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू जिम इज गुड फॉर हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। वहां जाके स्टेरॉइड इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या करके फालतू में अपनी बॉडी को आप। देखिए मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी, स्टेरॉइड्स और ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आपको उसको यूज करना है या नहीं करना है। हेल्दी लाइफ होनी चाहिए तो इसीलिए आपको जिम जाना चाहिए। देखिए सर हमारा सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर हम जिम जा रहे हैं, जो नहीं जाना चाहिए, अगर जा रहे हैं वहां पे होती हैं लड़कियां जो कि होती है बहुत सुंदर, तो वहां पे बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं और अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्यारे से बच्चे भटक जाते हैं, तो नहीं जाना चाहिए। देखिए बहुत लोग जिम जाते हैं लेकिन सभी जिम नहीं जाते हैं, कहीं बंक मार के कहीं घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं जी, ये तो बेकार है, बहाने जिगर से निकलने के। बिल्कुल जी, जिसने अपनी बॉडी बनानी है वो जिम जाएगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिसने नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। वही तो मैंने बोला, मैं कब बॉडी आज के टाइम में हर किसी की डिमांड किसकी है, हम जैसे की है, हमने हम जैसे की है, हम जैसे पतले लड़के चाहिए लड़कियों को, बॉडी तो हर किसी की है ना। आप भी इसमें फेवर में तो होंगे इनके साथ, मानते तो आप भी सर, मानते आप भी हैं सर ना। विनर इज अगेंस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज नेपोटिज्म इज रियली गुड। हाँ तो ठीक है, एक्टर का बेटा एक्टर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, हाँ? अमीर का बच्चा अमीर, गरीब का बच्चा गरीब, सर यही होना चाहिए ना ज्यादा मेहनत। तेरे पापा का YouTube चैनल है जी, उस टाइम YouTube था नहीं, वरना मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ मेरे पापा बेस्ट ब्लॉगर होते, डायमंड बटन करके होता। हाँ हो सकता है कि हो सकता है YouTube के ओनर भी हो सकता है। तो मैं पॉइंट बोलना चाहूंगी कि हमारे नेपोटिज्म जो है वो उसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स जो है वो पीछे रह जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जिन्होंने अपनी मेहनत पे, ऐसे एक्टर्स आए भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत पे आके भी विदाउट नेपोटिज्म इतना अच्छा नाम कमाया है। तो मैं यही बोलूंगी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैम एक पॉइंट बोलना चाहूंगा मैं, देखिए फार्मर का बेटा है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको कॉलेजेस भेजना पड़ेगा इतनी जगह, उसी को अगर सिंपली रखा जाए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो इजीली नॉलेज घर से ले। एट द एंड बोलना यही चाहेंगे कि इजी रहता है, सब कुछ सॉर्टेड रहता है, कि जो चीज पापा कर रहे हो वो घर पे भी सीख सकते हैं, उसको सॉर्टेड में की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत ही करेंगे, उसी चीज को रिपीट करते रहेंगे कि हमारे दादा वही कर रहे हैं, पापा भी वही कर रहे हैं, आगे मैं भी वही करूंगा, तो दिक्कत ही क्या है। सबकी चॉइसेस अपनी अपनी होती है, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। जिसको अगर फार्मर के बेटे को डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर भी बन सकता है, किसी का इंटरेस्ट सच में फार्मिंग में भी हो सकता है तो वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसके बाप ने किया, बचपन से जो चीज देखी है ना, बचपन से जो चीज देखी है हमने वो हम सीख जाते हैं, सीधी सी बात है। देखिए मुझे भी बनी बनाई रोटी चाहिए, तो नेपोटिज्म जिंदाबाद। विनर इज फेवर। इसी के साथ अब करते हैं वीडियो को एंड। जी जी बिल्कुल, वीडियो एंड होनी चाहिए। देखो देखो ऐसे सुनो नहीं होनी चाहिए क्योंकि जनता को मजा आ रहा है। मैं चला घर, मैं चला घर, चले स्कूटी ऑन चले, देखो जनता को मजा आ रहा है, स्कूटी ऑन। अबे अबे सालो, वीडियो सच में खत्म हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, बिल्कुल नहीं था। टाटा, लगे भाई।